आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब तक जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सा है उसको स्टडी करके आए हैं, उसकी अब हमने एप्लीकेशंस देखनी है कि इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हुए उसकी यूज़ जो है उसका हमारे पास कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम देखेंगे इस टॉपिक में कि सी होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हमने डिफरेंट जनती है इसके बारे में, इसकी थ्योरी और इसके फॉर्मूलाज और तमाम चीज़ें जो हैं हम पढ़ के आए हैं। अगर हम उसको रिव्यू करें तो के सी बराबर होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, आपके रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को जब हम डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्टडी जो है के सी को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट व्हेन वी स्टडी अबाउट द के सी। तो तीन चीज़ें हैं जो कि के सी से हमें मिल सकती हैं। नंबर वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। के सी हमें ये बताता है कि आपके पास रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो के सी की वैल्यू हमें ये चीज़ बताती है। दूसरी जो चीज़ हमें के सी की वैल्यू बताएगी दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास रिएक्शन जो है वो कितना हो गया है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक वेसल है जिसके अंदर कोई भी रिएक्शन जो है वो हो रहा है, तो मैं जब देखना चाहूँगा कि ये रिएक्शन जो है 25% कंप्लीट हुआ या 50% आधा हो गया या कि फिर पूरा ही हो गया, तो ये चीज़ मुझे कैसे पता लगेगी, मुझे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन से पता लगेगी कि मेरा रिएक्शन कितने परसेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड थर्ड थिंग जो कि हमें के सी की वैल्यू से पता लगती है वो होती है हमारे पास कंडीशंस का इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट ऑफ कंडीशंस। और कंडीशंस इफ़ेक्ट किस पे करेंगी, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, दैट इज़ अ वेरी डेलिकेट और वेरी इजी कॉन्सेप्ट जो कि हम इसका टाइम आने पे इसी टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि हमें के सी की वैल्यू से पता लग सकती हैं। इन तीनों को हम जो है आज के टॉपिक में सेपरेट सेपरेट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास चीज़ दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। के सी की वैल्यू बराबर होती है द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब जब इन वैल्यूज़ को के सी को जो है हमने जो वैल्यू देखी ये बराबर है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई रिएक्शन है ए रिवर्सिबली फॉर्मिंग बी, तो हमारे पास जो है मौजूद वैल्यू हो के सी की और हम इसके इक्वल ऑपोजिट साइड जो ये वैल्यू है इसको हम निकाल के इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें जो होते हैं तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि जब मैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लूँ तो जो इनकी रेशियो आए, रेशियो है ना ये, दिस इज़ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, अगर तो इसकी रेशियो जो सी है वो लेस देन आए के सी की वैल्यू से, मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है, दिस इज़ अ रिएक्शन वेसल जिसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से अगर फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन को स्टार्ट करवाया उसके 20 मिनट के बाद मुझे अब चाहिए कि इस रिएक्शन कि मैं डायरेक्शन देखूं कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं 20 मिनट के बाद इसकी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो सी है वो फाइंड आउट करके उनकी रेशियो ले लूँगा। और अगर उसकी रेशियो इस
रिएक्शन के जो के सी जो कांस्टेंट है उससे कम आएगी, तो इसका मतलब है कि अभी आपको इस रेशियो को इसके बराबर करने के लिए मोर प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है कि रेशियो कम है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तभी रेशियो इसके बराबर आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास न्यूमिनेटर में है। तो मोर प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड, तो जब मोर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होगी, जब बी की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होगी, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ए से बी बनेगा ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो जब भी रेशियो जोन सी है वो के सी से लेस होगी, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन इज़ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रेशियो हमें बताएगी कि आपके पास जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन मूव कर रहा है। तो पहला केस ये है कि रेशियो जो है वो के सी से कम हो। दूसरा इसमें केस हो सकता है इसके ओपोजिट, के आपके पास जो रेशियो निकली है वो ग्रेटर हो के सी से। आपके पास जो रिएक्शन था उसकी अगर के सी आपने निकाली बी ओवर ए, और ये रेशियो की वैल्यू जोन सी है ये आ गई ज़्यादा या लार्जर देन के सी, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ए की वैल्यू जोन सी है वो अब ज़्यादा बननी होगी। अब ए को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरी टर्म की वैल्यू इसके बराबर हो, तो ए को बड़ा करूँगा ताकि ये वैल्यू छोटी होती जाए और के सी के बराबर आ जाए, क्योंकि वैल्यू अभी रेशियो बड़ी है। तो इसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को बढ़ाऊंगा। डिनोमिनेटर वैल्यू की कैसे बढ़ेगी, जब बी कन्वर्ट होगा ए में। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जब अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैक डायरेक्शन में, रिएक्शन इज मूविंग बैकवर्ड्स। तो ये हमें रेशियो से पता लगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। हमें के सी से पता लगा कि अगर तो डायरेक्शन जोन सी है, अगर तो रेशियो जोन सी है वो कम होगी के सी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर रेशियो बड़ी होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड थर्ड जो इस केस में आता है वो ये है कि व्हेन रेशियो इज इक्वल टू के सी या नियरली इक्वल टू के सी। जब भी ये सिस्टम हमारे पास अचीव होगा, जब भी आपने के सी की जब वैल्यू निकालेंगे बी ओवर ए, तो आपके पास अगर इसकी वैल्यू इसके करीब करीब आए, तो दैट मीन्स कि रिएक्शन ने क्या अचीव कर लिया हुआ है, रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन अब आपका इक्विलिब्रियम पर मौजूद होगा। तो दीज आर द थ्री केसेस जिसके अंदर हम अगर इसको समराइज करें, तो पहला केस है जी कि रेशियो इज ग्रेटर देन के सी, बल्कि चलें के सी इसको पहले कर लेते हैं, रेशियो इज लेस देन के सी, एंड सी इज के रेशियो इज नियरली इक्वल टू दी के सी। अब जब भी रेशियो के सी से ज़्यादा होगी, तो हमारे पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रेशियो को अब मुझे कम करना है ताकि ये के सी के बराबर आ जाए। तो कम करने के लिए मुझे रिएक्टेंट ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रेशियो है रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेशियो कम होगी, कम होगी तो के सी के इक्वल आएगी, तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो इस केस में के सी जो है वो कम होता है रेशियो से, ताकि हमें पता लगता है कि रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दूसरा केस है जब रेशियो कम है के सी से। अब रेशियो कम का मतलब क्या है कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है, रेशियो कम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक जाने के लिए, इसको बराबर करने के लिए मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि प्रोडक्ट न्यूमिनेटर में है। और प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। तो बनेगी कब, जब रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड थर्ड केस इज़ व्हेन रेशियो इज़ नियरली इक्वल टू के सी। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाएं, तो आपका सिस्टम या आपका रिएक्शन क्या है, वो अब इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद है। तो दीज वर द थ्री केसेस। और पता ये चला कि अगर हमें के सी की वैल्यू गिवन हो और हमें रिएक्शन में मौजूद चीज़ों की कंसंट्रेशन गिवन हो, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, या फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर है। इसी को देखते हुए हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसकी, आपकी बुक की स्टडी करेंगे, जो कि इसी चीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। वो है जी एग्जांपल नंबर थ्री। एग्जांपल की अगर आप स्टडी करें उसकी स्टेटमेंट, तो वो कहता है जी आपके
के पास कि आपने एस्टरीफिकेशन की है बिटवीन एथानॉल प्लस एसिटिक एसिड। वो कह रहे जी एथानॉल एंड एसिटिक एसिड की एस्टरीफिकेशन वाज कैरिड आउट बाय मिक्सिंग डेफिनेट अमाउंट्स ऑफ एथानॉल एंड एसिटिक एसिड। इनको आपने मिक्स किया अलोंग साइड विद मिनरल एसिड, थोड़ा सा मिनरल एसिड एज अ कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास मौजूद था। सैंपल वर ड्रॉन टू, आगे आपके पास बनेगा एस्टर प्लस वाटर। ये वही पुराना रिएक्शन है जिसके लिए हम केसी की वैल्यू भी निकालते रहे। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास, कह रहा है जी सैंपल हमने बफे बफे से निकालते रहे और चेक करते रहे कि एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एस्टर बन रहा होता है। तो हमने एस्टरीफिकेशन को चेक किया कि ये बन रही है या नहीं बन रही। तो हमने क्या किया कि हमने सिस्टम से बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, सैंपल को कलेक्ट किया और एस्टरीफिकेशन चेक कर ली। अब नेक्स्ट जो हमें डाटा दे रहा है वो कह रहा है जी इन वन ऑफ द सैंपल्स, कह रहा है एक सैंपल का डाटा क्या था, द कंसनट्रेशन ऑफ द स्पीशीज वर। पहले मैं लिख लेता हूँ इसका रिएक्शन। रिएक्शन है जी CH3COOH, जो कि हमारे पास एसिटिक एसिड है। ये मिलेगा आपके एथानॉल से C2H5OH। ये रिवर्सिबली रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव प्रोटॉन एज अ कैटलिस्ट, और हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो होगी CH3COOC2H5, साथ में हमारे पास बन जाएगा वाटर। अब वो कहता है जी कि एक सैंपल जो हमने लिया आफ्टर टाइम टी, उसकी कंसनट्रेशन ऑफ द स्पीशीज जो सी थी वो थी CH3COOH की कंसनट्रेशन थी 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। C2H5OH एथानॉल की थी 0.032 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। CH3COOC2H5 जो कि हमारा एस्टर है, इसकी थी 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और वाटर जो हमारे पास बना है दैट इज 0.04 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। उसने क्या किया, उसने हमें तमाम स्पीशीज की जो है कंसंट्रेशन वो हमें दे दी है। अब वो कहता है जी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है इफ इस रिएक्शन का जो के सी है वो हमें गिवन होगा। वो कहता है जी इस रिएक्शन का जो के सी है वो बराबर होता है 4 डिग्री C के एट 25 डिग्री C। 4 के बराबर होता है, के सी की वैल्यू है 4। तो आप हमें बताएं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। हम वही काम करेंगे, हम के सी के फॉर्मूले में कंसंट्रेशंस को पुट करके रेशियो निकालेंगे और रेशियो का आंसर कंपेयर करेंगे इस 4 के साथ कि अगर वो कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, अगर वो ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब हम इसका आंसर की तरफ जाते हैं। के सी हम फाइंड आउट करेंगे। के सी इज इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास दो हैं, जो कि पहली है हमारे पास एस्टर CH3COOC2H5, इसकी कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय, वी हैव टू रिएक्टेंट्स CH3COOH एंड C2H5OH। इन सब की कंसनट्रेशन जो सी हैं वो हमें गिवन है, तो हम उनकी वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर देते हैं। CH3COOC2H5 की जो कंसनट्रेशन थी दैट वाज 0.05, और H2O की कंसनट्रेशन हमें उसने सवाल में दी है 0.04। सिमिलरली CH3COOH की जो है दैट इज़ 0.025, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी एथानॉल की कंसनट्रेशन से जो कि है 0.032। इस सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी का आंसर आपके पास आएगा 2.5। अब हम कंपेयर करेंगे कि केसी हमें गिवन था 2.5, केसी हमें गिवन जो हमारा निकला है दैट इज़ 2.5, और जो हमें गिवन था दैट इज़ 4.0। दिस इज़ द रेशियो जो कि हम बात करके आए हैं पीछे। अब हुआ क्या है कि रेशियो इज़ स्मॉलर देन
सी, क्योंकि 2.5 जो है वो लेस देन 4 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए उसको ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्ट तब बनेगी जब रिएक्शन जो उनका है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास मूव करेगा। तो यहाँ से जो चीज़ साबित हुई वो ये थी कि हमारे पास अगर के सी गिवन हो और रेशियो निकाल के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल विद विच आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन फ्रॉम के सी जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो दो हैं हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, पहली डायरेक्शन, दूसरी थी एक्सटेंट और तीसरी पोजिशन। एक्सटेंट और पोजिशन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है कवर करेंगे। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमें के सी से डायरेक्शन निकालना हमने सीखा।